हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक चौहान ने विधायक कोष से 75 लाख रुपए के उपकरण खरीदकर चिकित्सालय को किए भेंट। राजकीय चिकित्सालय में विधायक कोष से विधायक शोभा चौहान द्वारा 75 लाख रुपए के उपकरण खरीदकर शुक्रवार को भेंट किए गए। जिले के दूसरे सबसे बड़े सोजत राजकीय चिकित्सालय की लंबे समय से दयनीय दुर्दशा बनी हुई है। वहीं कोरोना के समय में उपकरणों के अभाव में और भी दयनीय स्थिति हो गयी, जिसके चलते गत दिनों विधायक शोभा चौहान ने चिकित्सालय का जायजा लेते हुए चिकित्सा अधिकारियों से अस्पताल की खामियों के बारे में जानकारी ली, जिसके बाद विधायक ने विधायक कोष से 75 लाख रुपयों की घोषणा की, जिसके बाद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दी गई सूची के अनुसार उपकरण खरीदे गए, जिसमें शुक्रवार को ऑक्सीजन कंडेंसर, फ्रिज प्लस ऑक्सीजन मीटर, कुर्सियां, ईसीजी मशीन सहित अन्य उपकरण शामिल है। विधायक चौहान ने कहा कि पाली जिले का दूसरा बड़ा चिकित्सालय सोजत में है, जहां लंबे समय से उपकरणों की मांग थी, जिसके बाद शुक्रवार को 75 लाख रुपए के उपकरण दिए गए हैं और शीघ्र ही विधानसभा की अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक चिकित्सालय में भी उपकरण दिए जाएंगे। वहीं चिकित्सा प्रभारी अनुसुईया हर्ष ने बताया कि चिकित्सालय में कई उपकरणों की कमी थी, जिसकी सूची विधायक को दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें अब मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की जाने गई है और उस मद्देनजर उनको देखते हुए मैंने हालात यहाँ आके देखे थे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, कुछ चिकित्सकीय उपकरण न होने की वजह से भी लोगों की जाने गई। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जनता यहाँ की स्वच्छ और निरोगी रहे, उस हिसाब से जो मैंने चिकित्सकों से पूछ के जो यहाँ की हॉस्पिटल की मांग थी उसके हिसाब से मैंने उपकरण मंगाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।